ऊपर आते आते मुझे खबर पता चली, एक धमाकेदार न्यूज। हमारी ये रागिनी साहिबन है। गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों को एक बहुत ही गुड न्यूज देने वाला हूँ, जो कि मेरे लिए आई है कल ही। लेकिन वो न्यूज मैं अभी नहीं बताऊंगा, वो न्यूज इस व्लॉग में कहीं पर भी मैं बता सकता हूँ, तो ये काइंड ऑफ गेम है। मुझे कमेंट सेक्शन में एंड ऑफ द व्लॉग जरूर बताना कि वो न्यूज मैंने कब और कहाँ पर बताई। जो मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था कि हमारे बच्चों का इसका घोड़ा टूट गया और मैंने बना लिया था, तो मुझे एक बंदा कमेंट में पूछ रहा था क्या ये घोड़ा सक्सेसफुल बना या नहीं, और हंसने वाली मुझे थी। तो भाई, ये घोड़ा सक्सेसफुली बन चुका है। इस घोड़े का ये वाला टायर जो है वो निकल गया था, और मैंने बहुत ही आइडिया लगा करके ये टायर बना दिया। मेरे जो बड़े भाई है वो बोल रहे थे कि जब साइकिल वाले नहीं बना पाए तो तू क्या बना पाएगा, लेकिन मैंने बना दिया। और मेरी वाइफ को भी मुझ पर बहुत शक था, मम्मा मेरे पर शक कर रही थी ना, है ना, डैडी की कैपेबिलिटी पे कि डैडी बना पाएगा नहीं बना पाया। डैडी मैंने बना दिया ना पिल्लू, गिव मी हाई फाइव। अरे हाँ 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 बस हो गया। अरे किशु बस। कृष्णा, Only 3 days to go. Today is Thursday, then Friday, Saturday, Sunday. आपको कोई परवाह ही नहीं है, डैडी जा रहे हैं ना? जा रहे हैं। हाँ? आप नहीं आ सकते जिधर मैं जा रहा हूँ। पापा जी, आप कहाँ जा रहे हो? हम जा रहे हैं अपनी दिलों की शूटर जुपिटर की सर्विसिंग करने, क्योंकि उसकी सर्विसिंग किए हुए 18 महीने से 2 साल हो गए। इस मार्च में 2 साल हो जाएंगे हमारी जुपिटर की सर्विसिंग नहीं की गई है, तो आज उसकी सर्विसिंग करनी है, क्योंकि मंडे को हमारा वो बताता हूँ आगे जाके। हाँ, वेलकम बैक टू माय चैनल, नमस्ते। तो गाड़ी यहाँ पर ही अमन भाई के पास सर्विसिंग के लिए दे दी है। अपना घर ये जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इसके पीछे ही है, और ये पास में ही अमन भाई मिल गए। अब अमन भाई का कहना है ऐसा कि यहाँ पर खड़े रहना सख्त मना है, सख्त मना है, वरना पुलिस इन लोगों को 5,000 का फाइन लगा देगी, क्योंकि ऑलरेडी आसपास की दुकान है, गैरेज है, वहाँ पर भी लग चुका है। तो हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ नुकसान हो, इसलिए हम जाएंगे घर पे। 2 घंटे बाद अमन भाई ने हमें बुलाया, 2 घंटे बाद आएंगे और फिर गाड़ी लेकर जाएंगे। तब तक अमन भाई गाड़ी को एकदम टकाटक कर देंगे, क्योंकि गाड़ी पिछले 18 महीने से सर्विस नहीं हुई है। अमन भाई मस्त मजबूत काम कर देना भाई, तुम्हारे भरोसे छोड़ के जा रहा हूँ मैं। मैंने अभी तक जितना भी सर्विसिंग कराया ना, सब में मैं जगह पे था, ये पहली बार छोड़ के जा रहा हूँ तुम्हारे पास। टाइम हो रहा है शाम के 5:30 बजे, 5:30 भी नहीं, एक्चुअली 5:15 हो रहा है, और मैं निकला हूँ अपनी दिलों की शूटर, अपनी जुपिटर को लेने के लिए दोबारा। अब पता नहीं सर्विसिंग हुई है या अभी भी बाकी है। और हमारे एक फ्रेंड मनीष जी, मनीष मेघवाल, वो पीछे हमारे घर के पास थोड़ी सी एक जगह है खुली, मस्त जॉगिंग करने के लिए सब लोग जाते, तो वहाँ पर पहुँच के मुझे फ़ोन कर रहा है। और जिस गेटअप में फ़िलहाल मैं हूँ, ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं पर घूमने निकला हूँ, कहीं टूर पर निकला हूँ, फुल मज़े करने के लिए निकला हूँ। गैराज में तो आ गया भाई मैं, और गाड़ी की सर्विसिंग अभी भी हो रही है, और वो बंदा गया कई दुकान पर, और इसकी हालत देखो तो ऐसा लग रहा है कि इसको और टाइम लगेगा। तो हम एक काम करते हैं, हम मनीष को फ़ोन करते हैं, हमारे दोस्त को, और उसे बोलते हैं कि भाई, अरे एक बहुत मस्त खुशखबरी है, चल तर उधर पहुँच के सुनाता हूँ। ओ भाई, किधर है तू इतने साल से? अरे ये नहीं पूछ रहा, जिंदा है नहीं पूछ रहा, किधर है? चल चल भाई। इस बारिश के मौसम में मस्त गरम गरम वड़ा पाव खाया हम लोगों ने, एकदम मजा आया। अब ये यहाँ पर ये बंजी में इसके सामने सब स्टफ वगैरह रखा है, और जगह भी खाली रहती है एकदम मस्त। ये पर अभी थोड़ा बहुत वर्कआउट करेंगे, पता नहीं मैं करूँगा नहीं करूँगा, क्योंकि आज मेरा मूड वर्कआउट करने का नहीं, आज मेरा मूड वड़ा पाव खाने का। यहाँ पर एक बहुत मस्त आइसक्रीम मिलती है, वो आइसक्रीम खाने का। जो थोड़ा बहुत वर्कआउट था वो तो हम लोगों ने खत्म कर लिया, और मेरा दोस्त मनीष अपने डैडी को लेकर चला गया, उसका डैडी भी आता जॉगिंग करने के लिए। उसके बाद हम गए आइसक्रीम पार्लर के यहाँ पर, लेकिन जो मशीन थी वो ख़राब हो चुकी थी, वो लोग बना रहे थे, और जब दिल में क्रेविंग जागी थी, अरमान जागा था, दोस्त अरमान को कैसे मरने दिया जाए, इसलिए हम लोगों ने ले लिया एक रोस्टेड आलमंड। तो वो खा रहा हूँ और बढ़ रहा हूँ धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ, यानी हमारी स्कूटी की तरफ। दिलों की शूटर हमारी जुपिटर जो हमारा इंतज़ार कर रही है, वहाँ पर सर्विसिंग वगैरह पूरी हो चुकी होगी, रास्ता पूरा खाली है, और मैं जा रहा हूँ धीरे 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 धीरे। चलो बच्चा पार्टी, चलो। गाड़ी हमें मस्त मिल गई, अमन भाई ने गाड़ी का काम एक नंबर करके दिया, शुक्रिया अमन भाई, दोबारा कभी कुछ रहेगा तो आपके पास लेकर आऊंगा। गाड़ी एकदम मक्खन जैसी चल रही है। मेन बात ये थी कि गाड़ी की सर्विसिंग पिछले 18 महीने से नहीं हुई थी, यानी
2019 मार्च को मैंने सर्विसिंग कराई थी और उसके बाद से गाड़ी की सर्विसिंग नहीं हुई थी और अब गाड़ी चला के देखिए मैंने गाड़ी एकदम मक्खन चल रही है। चलो शुक्रिया मैम। बज रहा है यार, घर पे आ गया हूँ मैं और ये गाड़ी का एकदम ज़बरदस्त टेस्ट कर दिया बच्चे ने। गाड़ी का जो टायर है ये वाला टूटा हुआ था और ये एकदम मस्त टकाटक चल रही है गाड़ी। चल रही है कृष्णा बराबर। जो खुशखबरी मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ सुबह से क्या है क्या है क्या है, एक्चुअली मेरा वर्क फ्रॉम ऑफिस शुरू होने वाला है मंडे से। तो फाइनली वर्क फ्रॉम ऑफिस शुरू हो रहा है, 6 महीने बाद ऑफिस जाऊँगा मैं और फर्स्ट डे तो व्लॉग ज़रूर करूँगा कि फर्स्ट डे 6 महीने बाद ये पूरा क्वारंटाइन के बाद के कैसा होता है ऑफिस में क्या होता है। अभी ये बच्चा पार्टी को लेकर जा रहा है थोड़ा नीचे सोसाइटी में, अब सोसाइटी में इसका धमाकेदार टेस्ट होगा कि ये गाड़ी बनी है या नहीं बनी है। चलो जाएंगे नीचे, घोड़े के पास खड़े रहो, हम चुटकी बजाते ही नीचे पहुंच जाएंगे, ठीक है? हाँ लो आगे किशो आप नीचे, मैंने बोला था ना चुटकी बजाते आ जाओगे, चलो बैठो उस पर। आते आते मुझे खबर पता चली एक धमाकेदार न्यूज, हमारी ये रागनी साहिबा ने कुकर में चूना निकाल दिए, अखार कुकर गैस पे चला दिए। ये देखो ये कुकर में से चने निकाल दिए और खाली कुकर गैस पर चढ़ा दिया। रागनी जी आपने ऐसा क्यों किया, क्यों? जनता जवाब चाहती है, पूछता है भारत। रागनी जी पूछता है भारत, आखिर क्यों आपने कुकर में से चने निकाल दिए और खाली कुकर गैस पे चढ़ा दिया? इसलिए निकाले हैं, कुकर में चना निकालते कढ़ाई में रखे हैं और ये कुकर में तेल डालना है, मसाला फ्राई करना है, वापस फिर चना डालना है, एक सीटी लगाना है और सीटी लगाने के बाद फिर कुकर में से फिर चना निकाल देंगे धोने के लिए। चलो आके दौड़ेगा, बताइए दौड़ेगा। चलो भाई वीडियो खत्म हो गया, किशु अपन कैमरा रख देते हैं। चलो दोस्तों आज का ये व्लॉग यही समाप्त करते हैं, व्लॉग पसंद आया तो लाइक करें, नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन में प्रेस करें और कमेंट करके प्लीज़ बताइए व्लॉग कैसा लगा। चलो बाय बाय किशु, बाय बाय बोल दो, बाय बाय। चलो 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 कैमरा रख के बंद कर दिए, चलो बाय बाय।